see where this goes. Let's go back to the Congress's induction ceremony for Jignesh and Kanhaiya. Sir, one second. Let me announce that also. Bansal Sahab aur Kanhaiya Ji ka swagat karenge. और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे साथी नितिन राउत जी से और उनके साथ साथ भक्ताचरण दास जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, बंसल साहब से कि वो जिग्नेश मेवानी जी का भी औपचारिक तौर से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स्वागत करें। भैया बहुत शुक्रिया। और ठीक है, बिल्कुल। आई एम हैप्पी विद इट। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है अभी तक का एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, अब अगले बार 2024 में क्या लिखा जाएगा नहीं पता। उसमें तो यही है कि देश को आजादी जो है वो महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्या भाई हार्दिक, इन लोगों ने ही दिलाया ना। यही लोग लड़े थे। जो माफी मांगे वो बीड हो गए, आप सोचिएगा इसको। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। हमारे गांव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। कितना अजीब लगता होगा आपको, देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं। जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। सी, आई एम नॉट हियर टू सेव द पार्टी, प्लीज प्लीज, आई एम रिस्पेक्टिंग यू एज ए सिटीजन, यू कैन रिस्पेक्ट माई राइट। देश खतरे में है और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे। समझ रहे हैं, अंग्रेजी का वो फ्रेज है डांसिंग ऑन डेड बॉडी पे कोई नाच रहा है। उस दिन खाना तो नहीं खाया गया। आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए। मेरे गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो पूरे गांव में खाना नहीं बनेगा। हजारों लोग मर गए। देखे 71 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के लिए सोहर गाया गया। नया बच्चा जब पैदा होता है ना तो पूर्वांचल में सोहर गाते हैं लोग। प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए सोहर गाया जा रहा है। तब जब अभी तुरंत लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसके कोई जानने वाले नहीं मरे हो इसमें, इस क्राइसिस में? इतना बड़ा क्राइसिस जिसके देश में हुआ, वो अभी तुरंत वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाएगा? ये भोंडापन है। इस संस्कृति को बचाने की जरूरत है और इस संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में क्षमता मौजूद है। लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए इस पार्टी को यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए मैं यहां आया हूं।